सो दोस्तों, इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको ये भी समझ के चलना होगा कि जिस कॉइन की वैल्यू एक दिन में बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर जाती है, वही कॉइन की वैल्यू एक ही दिन में वैसे ही उतने ही स्पीड के साथ नीचे भी आ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी वैल्यू यहाँ पे ग्रो ही करती जाए, बिकॉज आपके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपने किस समय पे उस कॉइन को परचेस किया है। अभी आपने अगर इस पीक पॉइंट पे परचेस किया रहेगा तो आप लोग यहाँ पे ऑब्वियसली परेशान हो ही जाओगे, जैसे कि शिप के साथ हो रहा है। अभी रिसेंटली करंटली अगर हम देखेंगे शिप का प्राइस, जैसे कि हमने कल का वीडियो भी अपलोड किया था जिसके अंदर हमने आपको कहा था कि बहुत सारे दोस्तों ने जब भी ये कुछ दिनों पहले 15 दिनों पहले इस पीक पॉइंट पे गया था, उस पीक पॉइंट पे परचेस किया था, और वो दोस्त लोग अभी यहाँ पे सोचते रहेंगे कि हमें यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान होने लग गया है और ये शिप कॉइन हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। और ये कितना नीचे जाएगा ये भी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप लोग अगर सोचोगे कि मैं इस प्राइस पे अभी सेल कर देता हूँ, मैंने उस टाइम पे लगाए थे 5,000 रुपये, अभी उसके बचे हैं 1,500 रुपये, तो अभी सेल कर देता हूँ, 1,500 रुपये तो मेरे निकल ही जाएंगे। सो ऐसा सोचना आपके लिए कहीं ना कहीं गलत बन सकता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये मार्केट अगर नीचे जाएगा तो नीचे ही जाते रहेगा। हाँ, ये पुश होते ही रहेगा। जब भी यहाँ पे बुल्स फिर से पावर में आएंगे, जब भी यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट आती रहेगी मार्केट के अंदर, और भी यहाँ पे लोग जुड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो और भी इस कॉइन की प्राइस को आगे लेके जाएंगे। सो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस के साथ वर्क करना है। जो लोग तो यहाँ पे ट्रेडिंग करते रहेंगे वो लोगों की तो यहाँ पे मतलब पूरी तरह से यहाँ पे लग गए ऐसा समझ लो, क्योंकि यहाँ पे सडनली मार्केट अगर डंप कर जाता है और उस समय पे आप लोग अगर सेल कर देते हैं अपने कॉइन्स को, तो ये आपके लिए ही आपको आप अपने आप को ही नुकसान में डाल रहे हो, ऐसी बात है। अगर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखते, वेट करते, चीज़ों को टाइम देते हैं, तो यस, जरूरी ये भी है कि आपकी कॉइन की वैल्यू और भी बढ़ जाए, ग्रो कर जाए। क्योंकि लास्टली रिसेंटली 6 महीने पहले यही सेम चीज़ हुई थी कि शिप का कॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, उसके बाद से शिप में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा और अचानक से कॉइन के अंदर बहुत अच्छा खासा डंप आया, क्रैश आया। क्रैश फ्लिप भी हो जाता है कॉइन, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कॉइन का प्राइस सिर्फ कम होगा, फ्लिप भी हो जाता है सीधा, मतलब जिस प्राइस पे पहले कॉइन था उस प्राइस पे भी आ सकता है फिर से वापस। ये बात समझने की कोशिश करो। अगर उस टाइम पे बहुत सारे दोस्तों ने लास्ट टाइम सेल किया वो कॉइन को, और आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो शिप का प्राइस उस प्राइस से लेके और भी अलग लेवल पे बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुका था। बट आपको ये पता होना चाहिए मार्केट में कि कौन से टाइम पे आपको बाय करना चाहिए और कौन से टाइम पे आपको सेल करना चाहिए। अभी ये प्रेडिक्ट करना तो किसी के भी बस की बात नहीं है कि कौन से टाइम पे बाय करना, कौन से टाइम पे सेल करना। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे ले सकते हैं, देख सकते हैं, और इसमें इसके अंदर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू सपोर्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना और रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करना, उसके बीच में जो कि चलता है, कंसोलिडेट होता है, वैसे उसके हिसाब से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकालना। बट ट्रेडर्स यहाँ पे भी परेशान होते ही रहेंगे कि भाई मैंने क्या किया कि मैंने इस समय पे उसको बाय किया और इस समय पे मैं उसको सेल नहीं कर पाया और यहाँ पे आज की डेट में प्राइस इतना नीचे आ चुका है। यस, ये पॉसिबल है, यही तो क्रिप्टो मार्केट है। क्योंकि यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि जिस कॉइन की वैल्यू बढ़ती जाए, भाई मार्केट में करेक्शन तो आएगा ही ना। जिसने इस लेवल पे कॉइन को परचेस किया रहेगा तो इस लेवल पे आके जब भी ये इस लेवल पे आएगा तो उस टाइम पे वो सेल करेगा ही, ये बात है, क्योंकि वो प्रॉफिट बुक करना चाहता है। सो उसने उस समय पे उसका जो कि प्रॉफिट है ये बुक कर लिया, इसलिए कॉइन की प्राइस यहाँ पे लोगों में के अंदर थोड़ा थोड़ा पैनिक होना क्रिएट हो गया कि भाई अभी इतने मिल रहे, इतने तो ले लूँ, इतने तो रख लूँ, बाकी की बाद में देख लेंगे। सो ऐसा ही होता है और ये क्रिप्टो मार्केट थोड़ा थोड़ा अभी नीचे आ रहा है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि ये नीचे ही रहेगा, थोड़ा समय दो, थोड़ा पेशेंस रखो, और भी कई सारी चीज़ें मार्केट में आना बाकी है, पेंडिंग है, जैसे कि और भी इनोवेशन आते रहेंगे, जैसे कि ये कई बहुत सारे 2-3-4-5 बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो कि आजकल मार्केट में इन्फ्लुएंस कर रहे कुछ चीज़ों के थ्रू, जैसे कि ट्विटर पे आप लोग देखते रहेंगे, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में है तो आप लोग अगर ट्विटर पे नहीं रहेंगे तो इससे बुरी चीज़ मार्केट में और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज की रिगार्डिंग हर एक कवरेज आपको मिल जाता है। और साथ ही में टेलीग्राम पे भी जुड़ना मत भूलना, क्योंकि इससे पहले सिग्नल्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम का मैंने यहाँ पे हर क्रिप्टो सपोर्ट डाल के आप लोग सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। सो जो भी दोस्त लोग रहेंगे सोचते रहेंगे कि मैंने शिबा का प्राइस इस प्राइस पे परचेस किया था तो आज मेरा प्राइस बहुत कम हो रहा है, सो ये ध्यान में रखो, आपका प्राइस अगर जीरो भी हो गया पोर्टफोलियो का तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये क्रिप्टो मार्केट ऐसी चीज है, ये और भी यहाँ पे आने वाले समय में ऊपर ही जाने वाली है, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे नीचे जाएगी और आपको नुकसान देके जाएगी। ये बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं कि एक टाइम में पैसे चले गए,
और एक टाइम में पैसे आ गए। ये ऐसी चीज है कि आपको पैसे डाल के सिर्फ रिलैक्स बैठ जाने का है। जो भी ट्रेडर्स रहेंगे, ट्रेडिंग करते रहेंगे, हाँ उनके लिए थोड़ा सा ये परेशानी वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर वो ट्रेडिंग करते रहेंगे कि सोचते रहेंगे अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे ये पैसे निकाल लूंगा। सो यहाँ पे अगर मार्केट फिर से, अभी हम लोगों ने देखा ग्राफ में, आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट अभी थोड़ा सा बिटकॉइन का जो कि है मूवमेंट यहाँ पे कम डाउन साइड यहाँ पे जाते हुए हमें दिख रहा है, और आने वाले समय में ये भी हो सके कि और भी यहाँ पे इससे नीचे जाएगा। बट आप लोगों को पेशेंस के साथ होल्ड करना है, परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है, और भी ऐसा फिर से एक बार साइकिल रिपीट होगा और भी यहाँ पे और एक बार बुल रन आएगा और आपके प्राइस को कहाँ से कहाँ तक ऊपर लेके जाएगा। तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो भी है सही चल रहा है। अभी के टाइम पे शिवा ने जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, कोई भी यहाँ पे चिंता ना करिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समय देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। परेशान भी मत होइए यार, छोड़ दीजिए, क्या मैंने इन्वेस्टमेंट किया और छोड़ दिया कॉइन में, ऐसा सोचिए कि ये पैसे मेरे नहीं थे ही नहीं। तो आप लोग अगर इसी कॉइन को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद देखते सो ये इतनी क्षमता रखता है कि ये बहुत ऊपर जाएगा। 1 पैसा भी जा सकता है, 10 पैसा भी जा सकता है, 50 पैसे तक भी जा सकता है, ये संभव है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी, हमने क्रिप्टो मार्केट में सारे लोगों ने, जो भी पुराने दोस्त लोग रहेंगे, सारे ने देख लिया है कि यहाँ पे डॉज कॉइन के साथ क्या हुआ है। पहले 1 रुपया गया, फिर 4 रुपया गया, 4 रुपये के ऊपर अच्छे से कंसोलिडेट किया, काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद 15 रुपये गया, 20 रुपये गया, 30 रुपये गया, और जाते जाते बुल रन जैसे कि स्टार्ट हो गया डॉज कॉइन का, जैसे कि SNL कंडक्ट करने वाले थे इलॉन मस्क, तो उस समय पे 58 रुपीज तक डॉज कॉइन का प्राइस गया, बट उसके बाद फिर से नीचे आया। ये तो जरूरी है, जिस प्राइस कॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा उसका नीचे तो आएगा ही ना। तो ये मार्केट का एक पार्ट है, मार्केट का एक हिस्सा है, रेड एंड ग्रीन, इसको आपको माइंड में लेके चलना होगा। अगर ये आप लोग चीज माइंड में लेके चलते हैं तो ही आप लोग इस मार्केट में सक्सेस पाएंगे, अदरवाइज आप लोग सोचते ही रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, इससे टेलीग्राम पे सिग्नल्स आपको मिलते रहेंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए जल्द से जल्द, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहेंगे, जो भी यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट्स, गुड न्यूज़ हो, बैड न्यूज़ हो, सभी के सभी हम लोग आपसे यहाँ पे वहाँ पे शेयर करते रहेंगे। सो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना।